नमस्कार, आप सभी का एक फिर से स्वागत है हमारे पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल पर। जब श्री गणेश ने दिया राजा वरेण्य को गीता का ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता उपदेश दिया था। ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन विघ्न विनाशक गणपति ने भी गीता का उपदेश दिया था, ये कम लोगों को पता है। श्री कृष्ण गीता और गणेश गीता में लगभग सारे विषय समान हैं, बस दोनों में उपदेश देने की मन स्थिति में अंतर है। भगवद गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में मोह और अपना कर्तव्य भूल चुके अर्जुन को दिया गया था, लेकिन गणेश गीता में विघ्न विनाशक गणपति ये उपदेश युद्ध के बाद राजा वरेण्य को देते हैं। दोनों ही गीता में गीता सुनने वाले श्रोताओं अर्जुन और राजा वरेण्य की स्थिति और परिस्थिति में अंतर है। भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग से यह बात स्पष्ट होती है कि अर्जुन मोह के कारण मूढ़ावस्था में चले गए थे, लेकिन राजा वरेण्य मुमुक्षु स्थिति में थे, वह अपने धर्म और कर्तव्य को जानते थे। श्री गणेश गीता की पृष्ठभूमि देवराज इंद्र समेत सारे देवी देवता सिंदूरा दैत्य के अत्याचार से परेशान थे। जब ब्रह्मा जी से सिंदूरा से मुक्ति का उपाय पूछा गया तो उन्होंने गणपति के पास जाने को कहा। सभी देवताओं ने गणपति से प्रार्थना की कि वे इन दैत्य सिंदूरा के अत्याचार से मुक्ति दिलाएं। देवताओं और ऋषियों की आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ जगदम्बा के घर गजानन रूप में अवतार लिया। इधर राजा वरेण्य की पत्नी पुष्पिका के घर भी एक बालक ने जन्म लिया, लेकिन प्रसव की पीड़ा से रानी मूर्छित हो गई और उनके पुत्र को राक्षसी उठा ले गई। ठीक इसी समय भगवान शिव के गणों ने गजानन को रानी पुष्पिका के पास पहुंचा दिया, क्योंकि गणपति भगवान ने कभी राजा वरेण्य की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेंगे। लेकिन जब रानी पुष्पिका की मूर्छा टूटी तो वो चतुर्भुज गजमुख गणपति के स्वरूप को देखकर डर गई। राजा वरेण्य के पास यह सूचना पहुंचाई गई कि ऐसा बालक पैदा होना राज्य के लिए अशुभ होगा। बस राजा वरेण्य ने उस बालक यानी गणपति को जंगल में छोड़ दिया। जंगल में इस शिशु के शरीर पर मिले शुभ लक्षणों को देखकर महर्षि पराशर उस बालक को आश्रम लाए। यहीं पर पत्नी वत्सला और पराशर ऋषि ने गणपति का पालन पोषण किया। बाद में राजा वरेण्य को ये पता चला कि जिस बालक को उन्होंने जंगल में छोड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि गणपति हैं। अपनी इसी गलती से हुए पश्चाताप के कारण वे भगवान गणपति से प्रार्थना करते हैं कि मैं अज्ञान के कारण आपके स्वरूप को पहचान नहीं सका, इसलिए मुझे क्षमा करें। करुणामूर्ति गजानन पिता वरेण्य की प्रार्थना सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को कृपा पूर्वक अपने पूर्व जन्म के वरदान का स्मरण कराया। भगवान गजानन पिता वरेण्य से अपने स्वधाम यात्रा की आज्ञा मांगी। स्वधाम गमन की बात सुनकर राजा वरेण्य व्याकुल हो उठे। शिवपूर्ण नेत्र और अत्यंत दीनता से प्रार्थना करते हुए बोले, कृपामय मेरा अज्ञान दूर कर मुझे मुक्ति का मार्ग प्रदान करें। राजा वरेण्य की दीनता से प्रसन्न होकर भगवान गजानन ने उन्हें ज्ञानोपदेश प्रदान किया। यही अमृतोपदेश गणेश गीता के नाम से विख्यात। समस्त व्रत कथाओं को सुनने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे नई व्रत कथा का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।